होशंगाबाद के सिवनी मालवा में जेल रोड स्थित नगर पालिका के वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स की व्यायामशाला में शुक्रवार रात 9 बजे हुए तेज धमाके की आवाज से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में भीड़ कॉम्प्लेक्स के पास इकट्ठा हो गई। आसपास के रहवासियों ने बम धमाका होने की सूचना सिवनी मालवा पुलिस को दी। खबर मिलते ही फौरन पुलिस बल और नगर पालिका की गाड़ियां मौके पर पहुंची। व्यायामशाला में ताला लगा होने के कारण कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। इसके बाद SDOP SL सोनिया, SDM रविशंकर राय, थाना प्रभारी अजय तिवारी ने ताला तोड़वाकर व्यायामशाला की जांच की। हालांकि वहां कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। SDOP ने बताया कि घटनास्थल पर सिर्फ पूजा का सामान बिखरा पड़ा मिला है, बम जैसी कोई वस्तु वहां नहीं मिली। कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाने के प्रयास किए गए हैं। तो तस्वीरें होशंगाबाद की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा धमाका था, लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई बात थी नहीं यहां पर और कुछ पूजा का सामान बस यहां पर बिखरा पड़ा मिला है। व्यायामशाला में धमाके की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और कुछ लोगों ने कहा कि यहां पर विस्फोट हो गया है। अब पुलिस कह रही कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर धमाका किस चीज़ में हुआ था, कैसे हुआ था और क्या पुलिस कोई तथ्य छिपा रही है।